जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहे हैं भूगोल का, जो विभिन्न एग्जामों में इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहता है। यूपीएससी है, बीपीएससी है, नेट जेआरएफ है, एलडीसी, यूडीसी, इस प्रकार जैसे कि विभिन्न यूनिवर्सिटी के जो डिग्री के एग्जाम हैं उसमें यह टॉपिक है वायुमंडलीय दाब व पवन, यानी वायुमंडलीय दाब व पवन। तो वायुमंडलीय दाब और पवन को आपको समझना है। तो देखिए, सबसे पहला है वायुमंडलीय दाब। दाब जैसे देखते हैं, जैसे हम अपने शरीर के ऊपर कोई चीज़ अगर डालते हैं माथा के ऊपर, तो क्या होता है, एक प्रकार की यह प्रेशर जो आती है उसी प्रकार वायु में भी दाब होता है। यह प्रति वर्ग सेंटीमीटर वायु का जो लंबवत दबाव पड़ती है उसे वायु दाब कहते हैं। यह देखे, अब यहाँ देखिए कि जो पृथ्वी को जो देख रहे हैं धरातल पर जो है वायु जो है वह वायु कैसे, तो पृथ्वी में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल का अभाव होता, क्योंकि यह अंतरिक्ष में चली जाती है वायु। लेकिन पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है उस वायुमंडल को अपने तरफ खींच कर रखती है, जिसके कारण यह वायुमंडल जो है यानी पृथ्वी के ऊपर जो है वायु स्थित है। अब देखिए, वायुमंडलीय दाब जो देख लिए, वायुमंडलीय दाब जो होती है उसको मापते कैसे हैं, तो एक वर्ग सेंटीमीटर में जो वायु की लंबवत दबाव होती है उस दबाव को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होती है वह बैरोमीटर होती है, यानी बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अब देखिए, वर्तमान समय में जो देखते हैं वायु दाब को मापने के लिए अलग-अलग प्रकार की जो इंस्ट्रूमेंट यानी जो बनी है वह कौन, तो 14 एवं एनी रॉयड बैरोमीटर जो आधुनिक टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण जो देख रहे हैं कि यह पहचान है, जो एंड्रॉयड बैरोमीटर एनी रॉयड बैरोमीटर जो है का प्रयोग करके वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और यही वायुमंडलीय दाब जो होती है पृथ्वी के ऊपर जलवायु को का सभी जगह की जो अलग अलग जगह की जो जलवायु होती है और मौसम जो होती है उसके आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी कि जब देखिएगा मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं यानी मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं वह वायुमंडलीय दाब को नापने के बाद और उसमें जो परिवर्तन होती है उसके आधार पर ही वह मौसम का पूर्वानुमान करते हैं। तो यह देखते हैं, तो जलवायु वैज्ञानिकों ने इसको मापने के लिए यानी जो वायु दाब होता है उसको जलवायु वैज्ञानिक जब मापते हैं तो उसको जो मापते हैं वह मिली बार में होती है, यानी मिली बार जिसको इंग्लिश में स्मॉल एम और बी लिखा जाता है शॉर्ट में, तो यह मिली बार में या पास्कल इकाई में मापते हैं। यानी एक मिली बार एक वर्ग सेंटीमीटर पे, जैसे देखते हैं एक वर्ग सेंटीमीटर पे जो वायुमंडलीय दबाव होगी उस दबाव को किसमें, तो मिली बार में मापी जाती है, और यह बैरोमीटर के द्वारा ही मिली बार में मापी जाती है। अब देखिए कि 1000 मिली बराबर मिली बार का वायुमंडलीय दाब जो होता है वह एक वर्ग सेंटीमीटर में, जैसे मान लीजिए कि अगर सरफेस पे एक वर्ग सेंटीमीटर है उस एक वर्ग सेंटीमीटर में जो लंबवत वायु की दबाव जो इस प्रकार से पड़ती है
वह अगर 1000 मिली बार है तो उसको जो है कि 1.053 किलोग्राम भार से संबोधित किया जाता है। अब देखिए यह पारा, क्योंकि बैरोमीटर जो होती है उसमें पारा भरा होता है और पारा के अप डाउन से ही उसका जो होता है कि वायुमंडलीय दबाव की आकलन की जाती है। जब देखते हैं 1000 मिली बार जब होती है तो पारा जो होती है कि वह बैरोमीटर में जो पारा भरी होती है वह 75 सेंटीमीटर ऊंची स्तंभ के रूप में होती है, लेकिन जैसे ही यह पारा 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जाती है तो उस समय वायुमंडलीय दाब जो होती है 1013.25 मिली बार होता है, और खास करके यह मिली जो देखते हैं 1013.25 मिली बार जो होती है वह समुद्र तल पे जो देखते हैं वायुमंडलीय दाब जो होती है वह होती है, क्योंकि समुद्र तल और स्थल के ऊपर वाली यानी समुद्री सतह जो होती है और स्थलीय सतह जो होती है दोनों के ऊपर वायुमंडलीय दाब में अंतर पाई जाती है, और यही अंतर जो होता है पवन को उत्पत्ति करती है यानी वायु में जो गति उत्पन्न होती है, वायु में जो देखते हैं वर्टिकल यानी इस प्रकार से जो क्षैतिज जो दे इस प्रकार से जो क्षैतिज गति जो देखते हैं, तो यह क्षैतिज गति जब उत्पन्न होती है तो उसी को पवन कहते हैं। और देखिए कि अगर बैरोमीटर में अगर पारा जो है एकाएक गिर जाती है, अगर बैरोमीटर में पारा एकाएक गिरती है तो यह तूफानी मौसम का संकेत होता है। अगर देख रहे हैं कि 76 सेंटीमीटर ऊंचाई पे अगर बैरोमीटर में 76 मीटर की ऊंचाई पे तक पारा है और एकाएक वह पारा गिर जाके अगर हो जाती है 74 73 एकाएक गिरती है तो यह जो होती है कि तूफानी मौसम का संकेत होती है। मिलीबार के पठन के लिए जब अगर देखते हैं कि अगर वही बैरोमीटर में अगर पारा धीरे धीरे गिरती है तो यह वर्षा को सूचित करती है। अगर पारा जब धीरे धीरे गिरेगी बैरोमीटर में के ऊपर जो बैरोमीटर के ऊपर जो पारा की ऊंचाई होती है अगर वह धीरे धीरे गिरती है तो वह वर्षा की सूचक होती है, एकाएक गिरेगी तो वह तूफान का सूचक होगा तूफानी मौसम को। इसी प्रकार देखते हैं अगर पहले बैरोमीटर में पारा लगातार जैसे देखते हैं कि पहले जो है कि बैरोमीटर में पारा लगातार बढ़ने का प्रतीक जब होती है, जब बैरोमीटर में पारा लगातार बढ़ते रहती है उसकी स्तंभ जो होती है उसकी ऊंचाई अगर बढ़ती है पारा की तो वह चक्रवात का सूचक होता है यानी प्रति चक्रवात का सूचक होता है और मौसम साफ होती है, प्रति चक्रवात की स्थिति बनेगी और वहां उस समय मौसम साफ को सूचित करती है। जब बैरोमीटर पे जो देखते हैं पारा आस्ते आस्ते जब बढ़ती है बढ़ने के क्रम होती है तो चलिए देखिए अब जो होता है वायुमंडलीय दाब के वितरण को हम बताते हैं। तो देखिए वायुमंडलीय दाब का जो वितरण होती है यानी कहीं भी देखते हैं कि समान वायु दाब वाली जो स्थान होती है उसको अगर एक काल्पनिक रेखा से मिलाते हैं तो समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोवार कहते हैं, यानी जो देख रहे हैं वह आइसोवार एक काल्पनिक रेखा होगा जो स्थल के ऊपर या सागर के ऊपर जो देखते हैं क्या है कि जो समान वायु दाब वाली जो स्थान होगी उसको एक काल्पनिक रेखा के द्वारा जब मिलाई जाती है तो उसको आइसोवार कहते हैं। अब देखिए जब यह आइसोवार जो देखते हैं जो लाइन खींची जाती है अगर वहां पास पास होती है तो वायरोमेट्रिक ढाल यानी वायुमंडलीय दाब प्रवणता जो होती है तीव्र होती है, यानी कि आइसो वार
अगर पास पास होती है तो वहां जो होता है दाब प्रवणता अधिक होती है। दाब प्रवणता जब अधिक होगी तो हवाएं तेजी से चलेगी। लेकिन जब यही बैरोमीटर समदाब रेखा दूर दूर होती है तो वह जो है कि दाब प्रवणता जो होती है मंद होती है। तो यह आपने देखा। और तापमान में जो अंतर होती है वह हवा के घनत्व को परिवर्तन करते रहती है। यानी जब देखते हैं तापमान जब अधिक होती है तो वायु का घनत्व जो होती है कम हो जाती है। जब तापमान कम होती है तो वायु अधिक घनत्व वाली हो जाती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि तापमान जो होती है कि वह वायु के घनत्व को परिवर्तन करती है और यही वायुमंडलीय असमान घनत्व जो होती है जो क्षैतिज गति से हवा चलने के लिए यानी पवन को जो है गति कह सकते हैं जो यानी कि जो वायु को एनर्जी देने का काम यह जो देख रहे हैं कि ताप से होती है। यानी असमान ताप वितरण जो होती है वह वायु में गति उत्पन्न करती है। और जब वह वायु और यह देखते हैं कि सरफेस के ऊपर यानी सरफेस को देखते हैं कि ऊपर जब असमान तापमान वाली जो सतह होती है उस सतह पे असमान तापमान वाली जब सतह होगी तो वहां वायुमंडलीय दाब जो होगी उसकी घनत्व भी असमान घनत्व वाली वायु होगी। और जब वायु असामान्य घनत्व वाली होगी तो वहां क्या होगा कि जहां पे वायु दाब अधिक होगी यानी जहां तापमान कम है वहां वायु दाब अधिक होगी यानी अधिक घनत्व वाली होगी। तो जो निम्न घनत्व वाली वायु है उधर के तरफ वह प्रवाहित होती है। और यह गति जो क्षैतिज गति होती है इसी क्षैतिज गति को पवन कहते हैं। पवन को जो ऊष्मा और आर्द्रता जो है वह मिलती है ताप से। ताप ही उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होने के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जब सागर के ऊपर वाली वायु जब अधिक घनत्व वाली होती है उसमें आर्द्रता होगी यानी ताप जब अधिक है और वह जो है कि आर्द्रता। और स्थल के ऊपर वाली वायु जब कम घनत्व वाली यानी हल्की होगी तो सागर के तरफ से जब वह वायु चलेगी तो सागरीय क्षेत्र से वह आर्द्रता भी लेके आएगी। और वह आर्द्रता को है कि स्थल के ऊपर जो है संघनन होने के बाद वह रेनफॉल के रूप में यानी वर्षा के रूप में जो है जल की प्राप्ति होती है उस सरफेस को। तो इस प्रकार से देखते हैं कि यह जो होता है कि जो मौसम को पूर्वानुमान लगाने के लिए यह जो देख रहे हैं कि वायु का जो नेचर होता है प्रकृति जो होती है उस प्रकृति को जानना और ज्ञात करने के बाद ही हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जो मौसम के पूर्वानुमान लगाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सूचक के तौर पे है होती है। अब देखिए वायु दाब के वितरण जो होती है वह दो प्रकार से होती है। एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण और दूसरा जो होता है वह क्षैतिज वितरण होती है। क्षैतिज वितरण होती है। तो देखिए ऊर्ध्वाधर वितरण यह जो होता है वायुमंडल की निचले परत में हवा का घनत्व वायुमंडलीय दाब अधिक होते हैं। यानी जब वायुमंडल का जो निचले परत जो देखते हैं तो उसमें क्या होता है हवा का घनत्व और वायुमंडलीय दाब जब अधिक होती है तो ऊंचाई के साथ हवा में दाब में कमी आती है। यानी ऊपर वाली जो होती है उसके दाब में कमी आती है। यद्यपि ऊंचाई और वायु दाब के बीच में जो होते देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है तापमान में ह्रास होती है। और तापमान में जब ह्रास होगी तो वायुमंडलीय दाब में भी ह्रास होती है। जिसके कारण क्या होता है कि जैसे जैसे सरफेस से हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उसकी वायुमंडलीय दाब का जो होता है जो परिवर्तन होती है। तो यह देखें तो इसका सीधा संबंध होता है क्षोभ मंडल में वायु दाब घटने की औसत। जैसे क्षोभ मंडल वाली जो लेयर पे अगर हम हैं
तो क्षोभ मंडल में जो सरफेस के ऊपर अगर हम हैं और यहां अगर वायु दाब अगर 1000 मिली बार है, तो अगर क्षोभ मंडल से 300 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम चले जाते हैं तो दो वायु दाब घटने की जो होता है 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 34 मिली बार है। यानी 300 मीटर की ऊंचाई पर जाइएगा तो वहां वायु दाब क्या होगा कि 34 मिली बार होगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं क्षोभ मंडल में यह परिवर्तन होती है। अब देखिए यहां यह गौर करके इसको, यह जो देख रहे हैं वायुमंडलीय दाब को, तो यह ऊर्ध्वाधर है यानी एक वर्टिकल है, दूसरा हॉरिजेंटल है। तो वर्टिकल जो देखते हैं, ऊर्ध्वाधर जो होता है क्या है कि ताप के कारण गर्म होके हवा जब ऊपर की तरफ उठती है तो उसको धारा कहते हैं। दूसरा जो है क्षैतिज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सरफेस के ऊपर जब एक स्थान से दूसरे स्थान के तरफ हवा जब प्रवाहित होती है तो उसको वर्टिकल कहते हैं। और यह परिवर्तन जो होती है, यह प्रवाहित जो होती है ताप के कारण। तो देखिए इसको अलग अलग पेटी में विभाजित किया गया है। जिस प्रकार से देखिएगा वायुमंडलीय दाब जो है उसको चार पेटी में विभाजित की गई है, जो एक है विषुवतरेखीय निम्न वायु दाब की पेटी, जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है, यानी कि लो प्रेशर बेल्ट जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, जो विषुवतरेखीय निम्न वायु दाब की पेटी जो 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच पाई जाती है। दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। तीसरा जो है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी, यानी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो 60 से 65 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पे पाई, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। चौथा जो है ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी, यानी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। और यही चार पेटी जो है वह क्या करती है कि वायु को जो है कि डायरेक्ट जो है कि इक्वेटर से पोल के तरफ जाने पे रोकती है, बाधा उत्पन्न करती है। यह चार पेटी में विभाजित होकर वायु जो होती है सरफेस पे जो हॉरिजेंटल प्रवाहित होती है। तो यह आपने देखा यह चार पेटी। अगर यह चार पेटी नहीं होती, इसका कारण क्या है, चार पेटी जो जेनरेट होती है वह ताप के कारण, और दूसरा जो देखते हैं यानी जो इक्वेटोरियल जो और पोलर, यह ताप के कारण यह पेटी जो है उत्पत्ति होती है। जबकि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी जो उत्पन्न होती है यह घूर्णन गति के कारण होती है। तो आपने यह देखा चार पेटी जो देख रहे हैं, तो यह अलग अलग जो है, तो यह नहीं होती तो पृथ्वी पे क्या होता, इक्वेटर से डायरेक्ट जो देख रहे हो और पोल से, पोल की हवा जो होती भारी होती और इक्वेटर पे तापमान अधिक होती जिसके कारण हल्की होती, तो पोल से डायरेक्ट 90 के एंगल पे इक्वेटर की तरफ हवा चलती, जबकि वैसी है नहीं। यहां देख रहे हैं कि चार अलग अलग पेटी की उत्पत्ति हो गई है जिसमें कोरियोलिस फोर्स भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। चलिए देखिए आगे देखते हैं क्षैतिज वितरण। तो वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण के को वायु दाब को क्षैतिज वितरण करते हैं, यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की तरफ जब हवा चलती है, जब प्रवाहित होती है, तो उसको क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्षैतिज प्रवाह कहते हैं। यह क्षेत्रीय चरित के कारण यह उत्पत्ति होती है।
यानी अलग अलग जो सरफेस का जो नेचर होती है अलग अलग प्रकार की होती है, सागरीय सरफेस, स्थलीय सरफेस, आर्द्र सरफेस, शुष्क सरफेस, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की सरफेस जो देख रहे हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, पोलर रीजन। तो यह सभी सरफेस जो देखते हैं उसकी चरित्र जो होती है, नेचर जो होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, जो वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान के तरफ प्रवाहित होने में मदद करती है। तो आपने देखा तो विभिन्न अक्षांशों पर तापमान में जो अंतर पाई जाती है, यानी जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल के तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान में ह्रास होती है, और यह तापमान में जो ह्रास होती है इसके कारण जो देखते हैं कि अलग जो देख रहा है कि वायुमंडल में जो होती है कि वायुमंडलीय प्रवाह जो होती है कि वह भी प्रभावित होते रहती है। तो इसी के कारण देखे, अब देखिए अंतर तथा पृथ्वी के घूर्णन प्रभाव के कारण, यानी तापमान के अंतर देखते हैं और दूसरा घूर्णन के प्रभाव के कारण पृथ्वी पर 7 पेटी यानी 7 कटिबंध पाई जाती है, जिनको 4 अलग अलग समूह में विभाजित किया गया है। यानी 7 कटिबंध जो पेटी जो देख रहे हैं उसको जो है 4 समूह में विभाजित किया गया है, जो 4 समूह हम आपको बता चुके हैं। चलिए आगे देखिए उसको ग्राफ पे। तो देखते देख रहे हैं विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी जो 0 से 5 डिग्री उत्तर से दक्षिणी अक्षांश के बीच होती है, यह जो होता है अत्यधिक निम्न वायु दाब कटिबंध होता है। यह कारण है कि यहाँ पे जो सूर्य की प्रकाश लंबवत पड़ती है जिसके कारण वायु गर्म होकर डायरेक्ट ऊपर उठ जाती है, और वायु में यहाँ लंबवत जो गति होती है ऊपर की तरफ जो वर्टिकल जो देखते हैं, तो इसके कारण वहां जो होता है निम्न वायु दाब की पेटी की उत्पत्ति हो जाती है। और इस कटिबंध पर धरातलीय क्षैतिज पवन जैसे देखते हैं नहीं चलती है, यानी जो देख रहे हैं विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की जो पेटी होती है वहां पे पवन क्षैतिज रूप में नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ पवन गर्म होके सीधा ऊपर की तरफ उठते रहती है, गर्म होके ऊपर की तरफ उठते रहती है, यहाँ पे किसी प्रकार की क्षैतिज नहीं। हवाएं, अब देखिए अगले आगे देखिए, अब जो है कि यह जो गर्म होकर ऊपर उठते रहती है परिणाम स्वरूप देखते हैं ऊर्ध्वाधर यहाँ पे जो गति होती है, यह ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ जो धाराएं चलती है, जब ऊपर की तरफ जो हवा उठती है तो उसको धारा कहते हैं, और यह धारा को कन्वैक्शन करेंट यानी संवहनीय धारा, जब वह सरफेस के ऊपर चलेगी तो वह पवन कहलाएगी, जब ऊपर के तरफ जब डायरेक्ट उठती है तो ये सब वायुमंडलीय वायु धारा कहते हैं। और यहां शांत होती है जिसके कारण इस पेटी को 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश विरित की बीच की जो पेटी होती है उस पेटी को शांत पेटी या डोल्ड्रम कहते हैं, क्योंकि हवा जो है कि सरफेस के ऊपर प्रवाहित नहीं होती है, इसी कारण इस पेटी को शांत पेटी कहा जाता है या डोल्ड्रम कहा जाता है। चलिए देखिए यह 7 पेटी जो कहते हैं यहां पे, अभी देखिए यह जो देख रहे हैं कि देखिए कि यह जो है कि देख तो यह वाली जो देख रहे हैं इक्वेटर है, और यहां इक्वेटर से जब 5 डिग्री उत्तर के तरफ और 5 डिग्री दक्षिण के तरफ जब चलते हैं तो यह पेटी जो होती है विषुवत रेखीय पेटी कहलाती है, जहां हवा गर्म होके ऊपर उठती है। दूसरा पेटी जो बनती है देखिए कि एक दक्षिण में भी बनेगी और उत्तर में भी बनेगी, दोनों गोलार्ध में जो उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में देखते हैं, तो यहां देखिए 30 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर के बीच में एक पेटी बनती है, यह जो होता है उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी, जहां हवा ऊपर से नीचे की तरफ बैठती है,
फिर यह जो देखते हैं 60 से 65 डिग्री के बीच की जो पेटी होती है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी होती है, यह हवा जो है ऊपर की तरफ उठती है, और यह फिर पोल देखते हैं या ध्रुवीय क्षेत्र जो देखते हैं, यहां जो होता है हवा नीचे की तरफ बैठती है। जहां हवा नीचे की तरफ बैठेगी वह एचपी होगा, जहां हवा ऊपर की तरफ उठेगी वह एलपी होगा। ठीक उसी प्रकार देखिए कि दक्षिण में भी यहां 30 से 35 देख रहे हैं, उपोष्ण कटिबंधीय है, यहां देखिए 60 से 65 है, तो यह उपोष्ण कटिबंध उपध्रुवीय है और यहां पोलर है। तो आपने देखा कि यह क्या है, 7, एक पेटी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखे कि यहां पे क्या है, 7 पेटी की उत्पत्ति हुई। यही 7 जो पेटी जो देखते हैं कि हवा को जो होता है कि पृथ्वी पर रोटेट करते रहती है एक स्थान से दूसरे स्थान। अब देखिए कैसे करती है, इसके बारे में हम आगे आपको बताते हैं। अब देखिए पहला क्या है, यहां पे देखिए कि उपोष्ण उच्च दाब पेटियां, उपोष्ण उच्च दाब पेटियां जो देखते हैं 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश वृत्त की जो पेटी होते हैं, जिसको अभी आपको हमने दिखाया है, यह जो होता है जो इक्वेटर के पास होने के बाद भी इसमें तापीय कम और जो है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण यह अधिक प्रभावित होती है। अगर ताप से यह प्रभावित होती तो यह इक्वेटर के करीब था, यह एलपी होता, एचपी नहीं होता, लेकिन घूर्णन गति के कारण जो है कि यहां एचपी होती है, कि हवा ऊपर से नीचे की तरफ बैठती है, और ऊपर से नीचे की तरफ हवा जब बैठती है तो वहां देखिए कि मौसम साफ होगा, वहां बारिश नहीं होती है। और इसी क्षेत्र में देखिए कि आपको मरुस्थल पाई जाती है। तो आप देख यहां तो देखे, अब देखिए कि जो हवा विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जब उठती है, जो देखिए कि विषुवत रेखा से जो हवा गर्म होके ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर उठने के बाद जब वह हवा ठंडी होने लगती है तो क्या होता है कि वह जो होता है कि पोल के तरफ चलने लगती है, और पोल के तरफ जब वह हवा, तो एक देखिएगा एक शाखा उसका जो है दक्षिण की तरफ, दक्षिणी ध्रुव की तरफ, और दूसरी शाखा जो होती है उत्तरी ध्रुव की तरफ चलती है। लेकिन जब यह आगे बढ़ने के बाद जो है पृथ्वी के जो देखते हैं कोरियोलिस फोर्स के कारण जो होती है वह जो डायरेक्ट पोल की तरफ नहीं जाके उसकी गति में जो होता है जो उसकी दिशा में परिवर्तन होने लगती है, और दिशा में परिवर्तन होते होते वह क्या होता है, जब 25 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास जब वह ऊपर होती है तब तो वहां पे डायरेक्ट वह जो थी कि पोल की तरफ जो जा रही थी वह पूरब से पश्चिम की तरफ उसकी दिशा हो जाती है, और वह जो वहां प्रभावित होने लगती है। दूसरी हवाएं जो इक्वेटर से उठ के आती है वह हवा को अब वह अवरोध उत्पन्न करती है, और अवरोध उत्पन्न होने के कारण हवा जब भारी हो जाती है वहां रुकती है, और फिर जब अधिक हवा होती है भारी हो जाती है तो वह हवा नीचे बैठने लगती है, और जब वही हवा जब नीचे बैठती है तो वह 30 से 35 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास नीचे बैठती है, और नीचे बैठने के क्रम में कारण है कि वहां वह हवा तो आर्द्रता विहीन होगी, जैसे उसमें जो भी आर्द्रता थी वह इक्वेटर के पास ही संवहनीय रेनफॉल के तौर पे, यानी कन्वेक्शन रेनफॉल जो देखते हैं संवहनीय वर्षा के तौर पे वहां वर्षा कर दी थी। अब वह हवा तो शुष्क हवा थी, सूखी हुई हवा, आर्द्रता की हवा अभाव है। जब वह हवा नीचे बैठती है तो वह मॉइस्चर विहीन होती है, जिसके कारण वह क्षेत्र देखिएगा एचपी के बेल्ट में तो हो जाएगी, उस क्षेत्र में बारिश का अभाव होगा क्योंकि वह ऊपर से डायरेक्ट नीचे बैठ रही है। तो देखे यह जो देखिए यह जो बिछेप जो देखते हैं कोरियोलिस फोर्स के कारण होती है, अगर कोरियोलिस फोर्स और जो होता है कि वह पृथ्वी के घूर्णन के गति के कारण होती है, और एक यहां ध्यान देने वाली बात है कि इक्वेटर के पास जो होता है कोरियोलिस फोर्स जो होता है उसका प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर से हम पोल के तरफ जाते हैं वैसे वैसे उसका प्रभाव बढ़ते जाती है, और पोल के ऊपर जो होता है सबसे अधिक अपना प्रभाव छोड़ता है कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स का जो आकलन जो है वह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कोरियोलिस महोदय ने किया किए थे, इसी के कारण उस फोर्स का नामकरण जो है कोरियोलिस बल किया गया।
जो कि पृथ्वी के जो के पे चलने वाली वायु जो होती है वो डायरेक्ट 90 के एंगल पे नहीं चल के क्या होता है कि थोड़ा सा वह मूव करती है, रोटेट करती है घूर्णन के कारण। इसी को कोरियोलिस फोर्स कही जाती है, कोरियोलिस फोर्स के कारण ही। जैसे यहाँ पे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, इस ग्राफ में आप जो देख रहे हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे जो इक्वेटर देख रहे हैं, तो यह इक्वेटोरियल क्षेत्र जो है यहाँ पे देखिए यह कोरियोलिस फोर्स के बारे में यह बताई जा रही है। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे यह पोल के तरफ जा रही है इसका प्रभाव बढ़ते जा रहा है। यहाँ बताई जा रही है पोल पे जो होती है कोरियोलिस पर जो परसेंटेज में दिखाया गया तो कहा गया कि 100% होती है। यहाँ भी दक्षिण के तरफ भी देखिए यहाँ भी जो होती है जो 100% बताया गया, लेकिन यहाँ पे देखिए कि एकदम पतली सफाई लगभग 0% होती है। यानी इक्वेटर के पास जो होता है कोरियोलिस फोर्स की जो होती है शून्य, कारण है कि इक्वेटर के पास जो अर्थ उभरा हुआ है यानी सबसे अधिक उभार होने के कारण वहां कोरियोलिस फोर्स जो है उत्पन्न नहीं हो पाती है। यही कोरियोलिस फोर्स जो देख रहे हैं हवा को देख रहे हैं कि एक घुमा देती है, रोटेट करती है डायरेक्शन में जो चेंज, यह जो देख रहे हैं 90 के एंगल पे जो देख रहे हैं ब्रोकन लाइन, वह नहीं जाकर क्या होता है कि थोड़ा रोटेट करती है। और यह रोटेट जो करती है जब देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में जब देखिए तो यह वहां पे जो हवा बनेगी, ग्रहीय पवन जो तीन प्रकार की, तीनों की दिशा अलग अलग होती है जो हम आपको आगे बताएंगे। अभी यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो बान एक होता है व्यापारिक पवन, दूसरा होता है पछुआ पवन और तीसरा है ध्रुवीय पवन। तो यह जो देख रहे हैं कि सभी जो है कि यह बताई गई है तो देख लिए। चलिए अगला, चलिए अब आगे। तो यहाँ देखिए बढ़ती जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूरी बढ़ती है, तो ये आपको बता भी दिया, यहाँ से क्वेश्चन आता है आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि कोरियोलिस फोर्स जो देखते हैं कि विषुवत रेखा के पास कोरियोलिस फोर्स शून्य होती है, जबकि विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं कोरियोलिस फोर्स बढ़ते जाती है यानी कोरियोलिस बल, और पोल पे जो होती है कि सबसे अधिक होती है। तो इसी चीज को बताई गई है। और यही कोरियोलिस बल जो है कि आपको हवा को जो देखते हैं कि इक्वेटर से जो हवा ऊपर उठती है जिसको आपको पहले ही बता चुके हैं, तो यह देख रहे हैं जो विक्षेपित करके हवा जो होता है कि उसकी जो गति जो होती है कि अब जो जा रही थी पोल के तरफ वह उधर न जाके वह विक्षेपित होकर जो है कि पूरब से पश्चिम के तरफ प्रवाहित होने लगती है, और इक्वेटर से दूसरी हवा जो उठती है उसको अवरोध उत्पन्न करके, और अवरोध उत्पन्न करने के बाद जब वहां रुक जाती है तो उसकी वेट अधिक होती है, वेट अधिक होती है और वह आगे बढ़ नहीं पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वह नीचे बैठ जाती है। तो इसी चीज को बताई गई है। चलिए, जो कि हवा ठंडी होती है, जब ठंडी होती है तो, और वह हवा जो देखते हैं कि शीत 30 से 35 और 30 से 35 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास जो हवा बैठती है इसके कारण वह एचपी का बेल्ट होता है, और उस हवा को देखिएगा वहां पे जो होता है कि उसको अश्व अक्षांश यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास जो पेटी होती है उसको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। अश्व अक्षांश का मतलब समझिए कि भारत में जो व्यापार करने के लिए यूरोपियन लोग आते थे तो भारत से वह घोड़ा को खरीद कर या यूरोप ले जाते थे, क्योंकि भारतीय घोड़ा के वह शौकीन होते थे। और ले जाने का जो उस समय जरिया होता था वह पाल वाली जहाज होती थी, और पाल वाली जो जहाज होती थी वह जो हवा के डायरेक्शन से जो देखते थे कि इस प्रकार से लगती थी तो वह आगे बढ़ती थी। तो पाल वाली जहाज को आगे बढ़ने के लिए जो है क्षैतिज हवा की जरूरत होती है, लेकिन वहां पे तो क्षैतिज प्रवाह हो नहीं रही थी, हवा वर्टिकल हो रही थी, ऊपर से नीचे बैठ रही थी, और जिसके कारण वह शांत वाली थी तो वहां जो है कि नैया बीच में उसमें जाके फंस जाती थी, और भार अधिक होने के कारण उसमें डूबने भी लगती थी और वह आगे नहीं बढ़ पाती थी। तो वह व्यापारी क्या होता था, तो उसमें से कुछ घोड़ा को समुद्र में फेंक देता था, और समुद्र में फेंकने के बाद जब नैया की भार कम हो जाती थी तो उस अश्व अक्षांश को वह पार करती थी। और इसी कारण जो है कि उस अक्षांश वृत्त को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश वृत्त को अश्व अक्षांश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यह तो पता चल गई।
चलिए अब आगे देखिए, यह जो देख रहे हैं कि इसको बारीकी से समझिए, यहां से बहुत सारी क्वेश्चन आती है। जैसे प्रचलित पवन जो देखते हैं जिसको ग्रहीय पवन भी कहते हैं, तो यह पवन तीन होता है, एक व्यापारिक पवन होता है, दूसरा पछुआ पवन होता है, तीसरा ध्रुवीय पवन है। अब देखिए कि यह पवन कहां से उसको ऊर्जा और कैसे चलती है, क्योंकि वही रोटेट होते रहती है साइकिल में, तो कैसे? तो आप जो यह देख रहे हैं कि यहां पे देखिए, यह जो इक्वेटर वाली जो क्षेत्र है, यहां से जो हवा ऊपर उठ के जब चली, 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे जब जाती है, यानी 6 किलोमीटर से ऊपर होती है, तो जब वह हवा ऊपर जाती है तो एक गति तो आपने देखा कि सीधा ऊपर की तरफ उठ गई, और जब ऊपर जाने के बाद जब वह हवा का ताप में ह्रास होती है, और ताप में जब ह्रास होती है तो वह हवा भारी होने लगती है, और भारी होने लगती है लेकिन नीचे से बार बार हवा ऊपर जाती है तो नीचे तो बैठ नहीं पाएगी, तो वह जो होता है हवा पोल के तरफ चलने लगती है। लेकिन जैसे ही वह 25 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास जाती है तो कोरियोलिस फोर्स के कारण उसको आगे बढ़ने पे अवरोध उत्पन्न होती है, और उस अवरोध के कारण क्या है कि हवा अब ऊपर से नीचे बैठने लगती है, और जब वह हवा नीचे बैठती है तो सरफेस पे जब वह हवा आ जाती है तो वहां पे एचपी का बेल्ट हो जाता है, और जब एचपी का बेल्ट होता है तो वहां से एक हवा जो देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध है, और तो यहां पे देखिए कि यह उत्तरी गोलार्ध है, तो यहां पे जो एचपी का यह बेल्ट जो बनी है, तो यहां से यह हवा क्या होता है कि घूर्णन गति के कारण जो कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न होती है, उस कोरियोलिस फोर्स के कारण यह हवा 90 के एंगल पे नहीं चल के वह थोड़ा सा घूम जाती है, जिसके कारण उसकी दिशा हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में जो देखते हैं, जिस हवा को कहा जाता है व्यापारिक पवन, और इस व्यापारिक पवन जो है तो उसको जो देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में, उसकी दिशा जो होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के तरफ। जैसे यहां आपने देखा यह पॉइंट है, और यहां उत्तर हुआ और यह पूर्व है, देख रहा इस प्रकार से ऐसे चल रही है, तो इस प्रकार से इसकी दिशा हो गई उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व के तरफ। देख रहे हैं कि यह हवा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व के तरफ चलती है, इस प्रकार से यह चलती है, और चलने के बाद जब इक्वेटर के पास आती है तो इक्वेटर से ठीक पहले वहां ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनती है, फिर हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है, और यह एक साइकिल हो जाती है, यानी हवा ऊपर उठी, फिर पोल के तरफ चली, फिर 25 से 30 के पास नीचे बैठी, और नीचे के बाद फिर वह सरफेस पे चली। इस प्रकार से देख रहे हैं कि एक साइकिल बन गई, और इस साइकिल को जो है सबसे प्रथम बार जो हेडली महोदय ने ज्ञात किए थे, तो इसके कारण इस जो सेल बनी, इस सेल को हेडली सेल कहा जाता है। यही सेल देखिए कि यहां दक्षिणी गोलार्ध में भी बनेगी, तो यह दक्षिणी गोलार्ध में जो देख रहे हैं कि यह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम के तरफ चलती है, यानी जो व्यापारिक हवा जो होती है दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ चलती है, और यही कारण देखते हैं कि महादेश के पूर्वी छोर पे बारिश अधिक होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, क्योंकि यह अब जब चलेगी और यह गर्म हवा होगी तो महादेश से आर्द्रता लेगी, और जैसी यह स्थल के संपर्क में आएगी तो संघनन होकर वहां बारिश करती है। तो आपने देखा कि यहां जो सेल बनी, तो एक सेल आपको उत्तरी गोलार्ध में बनी, यानी जो 0 डिग्री से जो देख रहे हैं 5 से लेकर 30 के बीच की जो सेल बन रही है एक सेल, और वही सेल एक दक्षिण में बन रही है, तो वहां देखे कि एक उत्तर के तरफ हेडली सेल और दूसरा दक्षिण के तरफ हेडली सेल बनी। अब देखिए कि जब यहां देखे तो दूसरी हवा जो होती है यह जो होता है पोल के तरफ यहां से चलती है, तो जो इस हवा को पछुआ पवन कहते हैं,
पोल की तरफ जब देखते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से जब पोल की तरफ जो हवा चलती है उसको कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंध से जो चलती है तो उसको पछुआ पवन कहते हैं। अब पछुआ पवन को देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में जो होता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ होती है। इस प्रकार से देखिए हवा हो रही है, यानी कि यहां से इस प्रकार से, तो इस हवा को पछुआ कहते हैं। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम के तरफ होगी। तो आपने देखा, सॉरी यहां से होगी, ऐसे होगी ना, यह जो देखे तो इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि यह जो हो गई, अब यह जो पछुआ हवा होगी तो पश्चिम से चल रही, तो जिसके कारण महादेश के जो देखिएगा, अब यहां सब ट्रॉपिकल रीजन जो होगी उस सब ट्रॉपिकल रीजन में महादेश के पश्चिमी क्षेत्र आर्द्र होगी, पूर्वी क्षेत्र शुष्क होगी। कारण क्या है कि आपने देखा कि यहां जो हवा चल रही है वह पश्चिम से पूरब की तरफ जो देख रहे हैं रोटेट करते हुए, तो जिसके कारण जैसे ही वह पश्चिम के तरफ जो महादेश से संपर्क होगी वहां बारिश हो जाएगी। तो आप अब यहां जो देखे कि यहां से जो देखे कि एक हवा तो चली, और यही हवा जो इसकी कुछ बची हुई थी जो देखे कि यहां से जो ऊपर उठी थी, यह जो देख रहे हैं उपध्रुवीय क्षेत्र से जो हवा ऊपर उठी है, यहां जो है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, तो यह हवा ऊपर उठने पे जो होता है कि दो दिशा में, एक चली जाती है पोल के तरफ और दूसरा चलती है इक्वेटर की तरफ। तो पोल के तरफ जो चलती है वह हवा फिर कहां पे उतरती है, 30 से 35 के पास ही उतरती है। तो देखे कि यहां एक सेल बनी, कैसे, तो यहां उपोष्ण कटिबंध उपध्रुवीय क्षेत्र से हवा ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद जो इक्वेटर के तरफ जो हवा चली, और इक्वेटर से हवा चलने के बाद जो है कि 30 से 35 डिग्री के पास वह भी हवा नीचे बैठती है, और फिर वहां से जो पोल फिर ध्रुव के तरफ जो हवा चली, तो यहां एक सेल बनी। इस सेल को कहते हैं फेरल सेल, यानी फेरल कोशिका, और यह कोशिका आपको एक उत्तर में भी बनेगी और दूसरे दक्षिण में भी बनेगी। तो यह कोशिका जो बनती है वह सब ट्रॉपिकल रीजन में बनती है, तो सब ट्रॉपिकल रीजन में जो कोशिका बनेगी वह फेरल सेल होगी, फेरल कोशिका जो देख रहे हैं। अब चलिए अगला जो है पोल की तरफ, जो यहां से जो हवा उठी सब यानी उपध्रुवीय क्षेत्र से जो हवा पोल के पास बैठी, तो यहां पे क्या हुआ कि यह नीचे बैठ रही है, और नीचे बैठने के बाद फिर यह हवा जो है कि क्या कीजिए करती है कि दक्षिण पश्चिम के तरफ, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम के तरफ प्रवाहित होने लगती है, और यह हवा कहां आती है उपध्रुवीय क्षेत्र के पास। तो यहां जो एक सेल बनती है उसको ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, यानी पोलर सेल कहते हैं। वह एक सेल कहां, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी बनती है। इस प्रकार से देखिए कि पूरे अर्थ पे जो है 6 सेल बनी, वायु का जो है कि जो देख रहे हैं कि रोटेशन, यहां 6 सेल बना, एक जो देख, दो सेल जो है हेडली सेल, दो जो है फेरल्स जो देख रहे हैं, और दो जो है कि ध्रुवीय। अब देखिए इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका, जो ककहारा में जो देखते हैं कि सबसे लास्ट जो देखते हैं सबसे पहले जो ह, तो आप इक्वेटर से चलिए ह, तो यानी इक्वेटर से यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के पास जो सेल बनेगी वह हेडले सेल होगी। ह से देखे, ह से पहले जो होता है फ जो देखते हैं, तो फ जो होगा वह सब ट्रॉपिकल रीजन की जो सेल बनेगी उसको फेरल सेल कहते हैं। अब उससे पहले भी देखिए ढ आता है, तो वहां जो सेल बनेगी वह ध्रुवीय सेल होगी। तो अब इसको आसान से याद रख सकते हैं कि कौन सी सेल और किसमें कौन सी गति होगी हवा का, यह आपको पता चला। चलिए आगे चलिए, अब देखिए
उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी जो है जहां 60 डिग्री पे होती है, तो आपको बता ही चुके हैं जो उपोष्ण कटिबंधीय। एक चीज देखिए, यहां पे जो घटना घटित होती है उपध्रुवीय जो सेल होती है, उपध्रुवीय उच्च निम्न वायुदाब की जो पेटी होती है, तो वहां क्या होता है, एक हवा चलती है पोल की तरफ से जो सरफेस पे यानी क्षैतिज रूप में, दूसरी हवा चलती है इक्वेटर की तरफ से और 45 डिग्री अक्षांश वृत्त के आसपास जो देखते हैं, जब दोनों तरफ से चलती है तो टकराती है, तो देखते हैं कि वहां जो होता है वाताग्र की उत्पत्ति होती है और वहां चक्रवात जो देखते हैं आंधिया उत्पन्न होगी और वही चक्रवात के कारण जो हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो आपने यह देखा। अब देखिए ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है, तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी जो देख रहे हैं कि यहां जो है तापमान, ध्रुव के पास जो होता है तापमान की अभाव होती है, जिसके कारण वहां जो हवा होगी वह ठंडी हवा होगी और ठंडी हवाएं जब ऊपर से जब उतर रही है और नीचे भी चल रही है उच्च वायुदाब से जो निम्न वायुदाब की तरफ, तो वहां से प्रवाह क्षेत्र में जो भी मार्ग पड़ती है वहां की वायु को, वहां की सरफेस को यह कोल्ड कर देती है, ठंड कर देती है। तो यह जो देखे, अब देखिए और यह खास करके देखिए यह पेटी जो बताई गई है, तो जब पृथ्वी के उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति बनती है तो जितने भी पेटी आप देखे यानी कि जो देख रहे हैं इक्वेटोरियल उष्णकटिबंधीय पेटी, उपध्रुवीय पेटी, यह सभी पेटी जो होता है उसमें 5 डिग्री के आसपास शिफ्ट होती है। जब सूर्य दक्षिणायन के तरफ होती है तो सभी पेटी दक्षिण की तरफ शिफ्ट कर जाती है, जब सूर्य जब उत्तरायण की तरफ होती है तो सभी पेटी उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। क्लियर। और यही पेटी जब शिफ्ट करने की जो होती है तो इस पेटी के उत्तरायण और दक्षिणायन शिफ्ट होने के कारण एक प्रकार की जलवायु की उत्पत्ति होती है, उस जलवायु को कहते हैं भूमध्यसागरीय जलवायु। भूमध्यसागरीय जलवायु के जो उत्पत्ति होती है वह पेटी शिफ्ट करने के कारण ही होती है, जो ग्रीष्म काल में शुष्क होती है शीतकाल में आर्द्र होती है। जब एक और जलवायु जो देखते हैं पछ जो देखते हैं कि आप जो है पछुआ हवा जब प्रवाहित होती है तो उससे जो होता है यूरोप तुल जलवायु की उत्पत्ति होती है। अब देखिए पवन है, तो पवन तो पहले ही बता चुके हैं कि यह क्षैतिज गति होती है, क्षैतिज गति की जो चलते मतलब सरफेस के ऊपर जो क्षैतिज गति चलती है उसको पवन कहते हैं, या वायुदाब और या क्षैतिज गति चलती कहते हैं, तो वायुदाब की विषमता के कारण चलती है यानी प्रकृति में जो देखते हैं तापमान में जो अंतर होती है उसके कारण वायुदाब में जो है डिस्पैरिटी उत्पन्न हो जाती है, असमानता हो जाती है, जिसके कारण क्षैतिज रूप में हवाएं चलने लगती है जिसको पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में जो गति हवा होती है उसको वायुधारा कहते हैं। तो ये तो आप समझिएगा दोनों, और जब दोनों मिलती है तो वह जो होता है एक चक्र की निर्माण होती है, यानी पवन और वायुधारा के सम्मिलित रूप से जो सेल की उत्पत्ति होती है उस सेल को, उससे जो एक साइकिल बनती है उस साइकिल को जो होता है एक सेल कहते हैं, यानी उस चक्र को जो है। चलिए आगे देखिए, और यही कारण है कि जो कोरियोलिस फोर्स के कारण ही जो देखते हैं कि हवा जो है समकोण पे नहीं चल पाती है, अगर यह समकोण कोरियोलिस फोर्स की उत्पत्ति नहीं होती तो फिर हवा 90 डिग्री के एंगल पे चलती, जबकि यहां 90 नहीं, उत्तरी गोलार्ध में जो देखते हैं कि क्या होता है हवा बाई तरफ जो है और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा को देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में जो है हवा
का जो झुकाव देखते हैं, देख रहे हैं, कोरियोलिस फोर्स के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में पवन जो होते हैं अपनी दाहिनी तरफ झुकते घूमती है, यानी झुकाव होती है हवा की जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है दाहिनी तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है बाईं तरफ हवा विक्षेपित हो जाती है। यानी कोरियोलिस फोर्स के कारण ही हवा जो होता है कि अर्थ के ऊपर 90 डिग्री के, यानी जो क्षैतिज गति होती है उस पर 90 डिग्री के एंगल पे नहीं चलती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ झुक जाती है। इसी को फेरेल्स महोदय भी बताए हैं। अब देखिए प्रचलित जो पवने हैं, तो प्रचलित पवन जो है तीन है, एक व्यापारिक पवन है, दूसरा जो है पछुआ पवन है, तीसरा जो है ध्रुवीय पवन है। यह पवन को प्रचलित पवन, अस्थाई पवन, सनातनी पवन, ग्रहीय पवन, वायुमंडलीय पवन, किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। तो चलिए देखिए, यह देख रहे हैं तीन है, व्यापारिक पवन को देखिए, यह तो पहले भी बता चुके हैं, जैसे व्यापारिक पवन जो देख रहे हैं दोनों गोलार्ध में चलती है, जो क्या है व्यापारिक पवन जो देखते हैं कि किधर से चलती है, तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से इक्वेटर की तरफ चलती है। उपोष्ण कटिबंध से जो है इक्वेटर की तरफ चलने वाली वायु को व्यापारिक पवन कहते हैं, यानी ट्रेड विंड, क्योंकि अंग्रेज को जो व्यापार करने में यानी कि भारत आने में यह पवन से सहूलियत होती थी, जिसके कारण वह भारत में आता था व्यापार के लिए, इसी कारण इस पवन का नामकरण उसने व्यापारिक पवन रखा। व्यापारिक पवन जो होता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम के तरफ प्रवाहित होती है। और इस पवन, चलिए अगला देखिए, पछुआ पवन है वेस्टर्ली विंड। तो वेस्टर्ली विंड जो देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में, जो वेस्टर्ली विंड जो देख रहे हैं वह उत्तरी गोलार्ध में आपको क्या है कि यह उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, जिसे पछुआ पवन के नाम से पहचान की जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से, और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। तो आप देखें यह जो चलती है किसके बीच, तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 से 65 डिग्री निम्न अक्षांश वृत्तों के बीच, यानी पछुआ पवन का जो प्रवाह क्षेत्र होता है वह 35 से लेके 60 डिग्री अक्षांश वृत्त के बीच में होती है। और इसका जो है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय प्रभाव होने के कारण पछुआ पवन का प्रकोप तो बहुत कम देखी जाती है, लेकिन इसी को आप दक्षिणी गोलार्ध में जाइएगा, दक्षिणी गोलार्ध में जो है स्थल के अभाव होने के कारण वहां पछुआ पवन का प्रकोप को देख सकते हैं। जब 40 डिग्री अक्षांश के वृत्त के पास जो पछुआ पवन चलती है तीव्र गति से, उसको नाम है जो है कि गरजती चालीसा, यानी 40 डिग्री अक्षांश के वृत्त जो पे जो तीव्र गति से जो हवा चलती है पछुआ, उसको गरजती चालीसा कहा जाता है। ध्यान रखिए, गरजती चालीसा का प्रकोप हमेशा दक्षिणी गोलार्ध में होती है,
उत्तरी गोलार्ध में नहीं देखी जाती है। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय क्षेत्र के कारण। अब देखिए, और यह जो पवन का प्रकोप वहां जो देखिएगा वह 40 से 65 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास, जो वही हवा आगे बढ़ते हुए 50 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास चलती है तो उसको प्रचंड भयंकर पचासा यानी प्रचंड पचासा। जब यह आगे बढ़ते हुए हवा 60 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास चलती है तो उसको चिखती साठा के नाम से जाना जाता है। तो गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चिखती साठा जो हवा है, यह तीनों आपको दक्षिणी गोलार्ध में ही देखी जाएगी। 40 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास जो हवा चलती है उसको गरजती चालीसा, 50 के पास जो चलती है उसको प्रचंड पचासा और 60 के पास जो चलती है वह चिखती साठा। इसकी खोज जो है कि नाभिकों के द्वारा किया गया था, यानी पहले जो नाभिक लोग जब समुद्र में उतर के और संसाधन की खोज के लिए अथवा भ्रमण के लिए जब जाते थे, उसी क्रम में जब वह इस हवा के चपेट में आते थे तो जिसके कारण वह व्यक्ति इसका नामकरण और इसकी खोज जो है कि नाभिकों के द्वारा किया गया है। चलिए अब अगला देखिए, ध्रुवीय पवन। तो उपध्रुवीय उच्च वायु दाब जो देख रहे हैं कि ध्रुवीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु के दाब के तरफ, निम्न उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर बहने वाली जो क्षैतिज हवा को ध्रुवीय पवन कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जब देखते हैं तो इनकी दिशा होती है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम के तरफ। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा होती है दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की तरफ। और इस हवा में तापमान कम होने के कारण जल वर्षा करने की क्षमता इसमें नहीं होती है। इसके कारण यह हवा जो है बर्फीली होती है और जिस क्षेत्र से यह हवा प्रवाहित होती है वहां की तापमान जो होता है हिमांक से नीचे कर देती है। तो यह जो देखे, अब देखिए निम्न वायुदाब कटिबंध में जब पछुए पवन के ध्रुवीय पवन से टकराती है, देखिएगा निम्न वायुदाब कटिबंध में जब पछुआ पवने उपध्रुवीय पवनों से टकराती है तो वहां वाताग्र की उत्पत्ति होती है जिसके सहारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखिएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? तो ध्रुवीय पवने और पछुआ पवन यानी कि उपोष्ण कटिबंध से प्रवाहित होने वाली जो पछुआ पवन जब टकराती है तो वहां वाताग्र की उत्पत्ति होती है। वाताग्र मतलब दो हवा जब आमने सामने टकराती है दोनों की नेचर अलग अलग होती है। एक जो होती है शीत शुष्क होती है, दूसरा उष्ण आद्र होती है। जब यह टकराती है तो क्या होता है कि ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है, गर्म हवा को ऊपर ठेल देती है और वह इसी कारण जो होता है कि गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, यह उठती है तो वहां एलपी बनती है। तो आपने यह देखा। तो अब यहां देख लीजिए कि जो हवा, तीन को एक बार और समझ लीजिए, जो व्यापारिक हवा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में जब चलती है तो देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम के तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की तरफ चलती है। पछुआ हवा जो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वही हवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ चलती है। ध्रुवीय हवा उत्तरी गोलार्ध में
उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है, और जो देखते हैं दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में जो होती है दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की तरफ। तो आपने देखा कि जो यह जो देखते हैं कि जो व्यापारिक पवन होती है, वह व्यापारिक पवन जो होती है कि बारिश करती है, पछुआ पवन भी जो है कि वह वर्षा करती है, लेकिन ध्रुवीय पवन जो होती है वह आर्द्रता के अभाव में वह सूखी होती है। तो यह देखें, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मित्रों।